अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। मैट्रिक्सेस ओनली मैट्रिक्सेस of the same size may be added by adding corresponding entries. एडिशन मैट्रिक्स की एडिशन के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनका साइज जो है वो सेम होना चाहिए या ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर्स या साइज सेम है तो हम क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को ऐड कर देते हैं। इफ एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है ए आई जे और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है बी आई जे, ये भी एम क्रॉस एन है और ये भी एम क्रॉस एन है। ऑर्डर क्या है, सेम है। कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है देन हम इनको ऐड कर सकते हैं। देन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, हम इसको ऐड कर सकते हैं। और ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी इज एम क्रॉस एन, उसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए टू माइनस वन थ्री जीरो फोर सिक्स माइनस सिक्स टेन माइनस फाइव और एक हमारे पास मैट्रिक्स बी है फोर सेवन माइनस एट नाइन थ्री फाइव वन माइनस वन टू। अब देखें ये भी थ्री क्रॉस थ्री का है, ये भी थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स भी थ्री क्रॉस थ्री का और बी मैट्रिक्स भी थ्री क्रॉस थ्री का है। इनका साइज सेम है। अगर साइज सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, ए प्लस बी टू माइनस वन थ्री जीरो फोर सिक्स माइनस सिक्स टेन माइनस फाइव प्लस बी क्या है फोर सेवन माइनस एट नाइन थ्री फाइव वन माइनस वन टू। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को ऐड कर देते हैं। क्या हो जाएगा, टू प्लस फोर माइनस वन प्लस सेवन थ्री प्लस माइनस एट जीरो प्लस नाइन जीरो प्लस नाइन फोर प्लस थ्री सिक्स प्लस फाइव माइनस सिक्स प्लस वन टेन प्लस
माइनस वन माइनस फाइव प्लस टू, इनको ऐड करें, टू प्लस फोर सिक्स, माइनस वन प्लस सेवन सिक्स, थ्री माइनस एट माइनस फाइव नाइन, सेवन अलेवन माइनस फाइव नाइन माइनस थ्री। तो इस तरह हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए कंडीशन क्या है, उनका साइज़ इक्वल होना चाहिए। अगर साइज़ मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स का इक्वल है, तब हम उनको, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर लेते हैं। इस तरह हम, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है ए आई जे, एक मैट्रिक्स बी है बी आई जे, अगर इनका साइज जो है वो सेम है, ऐड के लिए भी साइज सेम होना कंडीशन है, डिफरेंस के लिए भी साइज सेम होना कंडीशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए आई जे माइनस बी आई जे। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज का हम डिफरेंस ले लेते हैं, ए माइनस बी, तो इस तरह हम डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं जिस तरह हमने एडिशन किया। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्सेस जी, अगर हम ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो हम उनको मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशंस है, वो मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब, इफ एंड ओनली इफ द नंबर्स ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द रोज ऑफ इन सेकेंड मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है कि हम दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, फर्ज करें ए और बी, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, जब हम ए बी, ए को पहले रखेंगे और बी को बाद में रखेंगे, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए के जो कॉलम्स हैं वो बी की रोज़ के बराबर होने चाहिए, ए के कॉलम बी की रोज़ के बराबर होने चाहिए। अगर हम बी ए करें तो बी के जो कॉलम्स हैं वो ए की रोज़ के बराबर होने चाहिए, कि पहला जो मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के की रोज़ के बराबर होने चाहिए। एग्जांपल, इफ पॉसिबल
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी व्हेन ए है हमारे पास 4, 7, 3, 5 और बी हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है 9, -2, 6, 8 इफ़ पॉसिबल का क्या मतलब है कि अगर आप ए बी फाइंड कर रहे हैं तो ए के जो कॉलम्स हैं वो बी की रोज के बराबर होने चाहिए, जितनी ए के में कॉलम है उतनी बी में उतनी रोज होनी चाहिए। अब देखें ए में कॉलम है 1 और 2, दो कॉलम्स हैं ए के, तो बी में कितनी रोज होनी चाहिए 2। तो अब बी में देखें 1 और 2 रोज हैं, ए के कॉलम की तादाद बी की रोज की तादाद के बराबर है। अगर बराबर है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं, 4, 7, 3, 5 इंटू 9, -2, 6, 8 क्या होगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, 4 को 4 × 9 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मिलके एक एंट्री बनाएंगे मैट्रिक्स की। 4 × 9 + 7 × 6 7 × 6 अब इसी रो को लेंगे और सेकंड कॉलम को, जितने भी कॉलम होंगे यही काम करेंगे, 4 × -2 + 7 × 8 फर्स्ट रो के लिए कंप्लीट। अब सेकंड रो को हम लेते हैं, सेकंड रो को लेते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 3 × 9 + 5 × 6 अब ये कॉलम एंड उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ 3 × -2 + 5 × 8 क्या हो जाएगा, 36 + 42 - 8 + 56 + 27 + 30 - 6 + 40 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 48 57 & 34 तो ये हमारा क्या है ए बी की वैल्यू, ए बी हमारा मैट्रिक्स कैसा बना, 78 48 57 34 हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन है कि फर्स्ट जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो एक को पहले रखेंगे दूसरे को बाद में, जो पहला है उसके कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर हैं तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने देखा। फर्स्ट रो को लेते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर इसी तरह सेकंड रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को लेंगे सेकंड कॉलम के साथ, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है,
ऐसी मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल जो होते हैं उनकी एंट्रीज 1-1 होती है, उसके अलावा बाकी सारी 0 होती हैं। 1 0 0 1, ये क्या है? 2x2 आइडेंटिटी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 की आइडेंटिटी है। इसी तरह हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0, इसी तरह क्या हो जाएगा? 1। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगी? n क्रॉस n, ऐसी एंट्री। अब देखिए, ये जो एंट्रीज होती हैं इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल्स की एंट्रीज जो हैं वो 1-1 होनी चाहिए, उसके अलावा सारे के सारे एंट्रीज 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। अगर क्या मतलब, अगर हम किसी ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, ऐसे मल्टीप्लाई करें या इसको पहले रख के मल्टीप्लाई करें, तो हमें ए ही मिलेगा। ए पे असर, कोई असर नहीं होगा, ए चेंज नहीं होगा। तो ये आई क्या होगी? हमारी आइडेंटिटी। और इसको डिनोट किससे करते हैं? आई से। इसके अलावा 0 मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स हूज ऑल एंट्रीज आर 0 इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स। इट इज 0 मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ओ। एक्स्ट्रा। इसी तरह हम इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी मैट्रिक्स की, और इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी ए के साथ ए में हम इसको ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें ए ही मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी।